नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे ज्ञान के एक और रोमांचक और रहस्यमय सफर में। आज हम बात करेंगे उन संकेतों और घटनाओं के बारे में जिनका जवाब अब तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। क्या ये संकेत धरती से ही उत्पन्न हुए हैं या फिर इनका संबंध किसी और ग्रह की बुद्धिमान सभ्यता से है? क्या एलियंस वाकई में धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में गूंज रहा है। चलिए आज हम जानेंगे उन अजीब और रहस्यमय संकेतों के बारे में जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या वाकई यह संकेत एलियंस के हो सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको अंत में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे चर्चित और रहस्यमय संकेत की, जिसे कहा जाता है वाव सिग्नल। यह सिग्नल 15 अगस्त 1977 को अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने कैच किया था। इस सिग्नल का समय लगभग 62 सेकंड का था और इसे सुनने के बाद वैज्ञानिक बेंडे जेरी एमन ज्वांटिशन ने अपने नोट्स में वाव लिख दिया था। इसी से इसे वाव सिग्नल नाम मिला। ये सिग्नल इतना ताकतवर था कि यह किसी साधारण प्राकृतिक स्रोत से नहीं आ सकता था। क्या यह संकेत किसी दूर दराज के ग्रह से आया था या फिर यह केवल कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन यह संकेत आज भी एलियंस के संपर्क की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं क्रॉप सर्कल्स की, जिन्हें देखते ही यह सवाल उठता है, क्या यह सचमुच किसी और ग्रह के प्राणियों की कलाकारी है? 1970 के दशक से दुनिया भर में अनगिनत क्रॉप सर्कल्स देखे गए हैं, खासकर इंग्लैंड में। ये सर्कल्स खेतों में बड़े बड़े और जटिल डिजाइन में दिखाई देते हैं, जिन्हें बनाने का तरीका अब तक एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस द्वारा छोड़े गए संकेत हैं, तो कुछ इसे मानवों की शरारत मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी जटिलता और सटीकता के साथ इन्हें बनाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या यह वाकई में एलियंस की कला है या फिर यह धरती पर रहने वाले कुछ खास लोगों की शरारत है? क्या आपने कभी सुना है ब्लैक नाइट सैटेलाइटॉस के बारे में? यह एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है जिसे पृथ्वी की कक्षा में तैरता हुआ देखा गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक पुराना खोया हुआ उपग्रह है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि यह कोई साधारण सैटेलाइट नहीं बल्कि एक प्राचीन एलियन उपग्रह है जो हजारों सालों से धरती की निगरानी कर रहा है। इसे पहली बार 1950 के दशक में देखा गया था, लेकिन तब से इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या यह वाकई किसी एलियन सभ्यता का संदेश वाहक हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक अंतरिक्षीय कचरा है जो कक्षा में तैर रहा है? इसका रहस्य अब तक अनसुलझा है। स्टोनहेंज इंग्लैंड की धरती पर स्थित एक प्राचीन संरचना है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। स्टोनहेंज को 5000 साल से भी पहले बनाया गया था और इसका निर्माण इतने भारी पत्थरों से हुआ है जिन्हें उठाना उस समय के इंसानों के लिए लगभग असंभव था। तो फिर सवाल उठता है, क्या प्राचीन मानवों को एलियंस की मदद मिली थी? कुछ थ्योरीज का दावा है कि इस संरचना को बनाने में एलियंस का हाथ था, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर मानवों को तकनीकी मदद दी थी, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। अब बात करते हैं उन रेडियो सिग्नल्स की जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से कैप्चर किए हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स ऐसी रहस्यमय रेडियो तरंगे हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही हैं। ये सिग्नल्स अचानक आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों को अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि इनका स्रोत क्या है। क्या यह कोई प्राकृतिक खगोलीय घटना है या फिर यह किसी और सभ्यता की ओर से भेजे गए संदेश हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संकेत किसी उन्नत एलियन सभ्यता के हो सकते हैं जो ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी पर अभी और रिसर्च होनी बाकी है। तो दोस्तों, ये थे धरती के कुछ अजीब और रहस्यमयी संकेत जो एलियंस से जुड़े हो सकते हैं। विज्ञान ने इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हर बार हम नए सवालों के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और सभ्यता हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल घर बैठे ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो लाते रहें।